डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ब्रांच अकाउंट्स की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट होलसेल प्राइस सिस्टम। ब्रांच अकाउंट्स में फर्स्ट मेथड हमारा था डेटर्स और डायरेक्ट सिस्टम, उसमें हमने ब्रांच अकाउंट बना करके ब्रांच का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। सेकंड मेथड हमारा फाइनल अकाउंट्स मेथड था, और थर्ड मेथड हमने डिस्कस किया स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और आज हम डिस्कस करेंगे होलसेल प्राइस सिस्टम। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। होलसेल प्राइस सिस्टम यानी थोक मूल्य विधि। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को स्वयं की शाखाएं खोलकर सीधे कस्टमर्स को बेच सकती हैं अथवा होलसेलर्स को बेच सकती हैं। यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ब्रांचेज भी खोलती हैं और होलसेलर्स को भी माल बेचती हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्रांचेज को उसी मूल्य पर माल भेजा जाता है जिस मूल्य पर होलसेलर्स को माल दिया जाता है। इस मूल्य को होलसेल प्राइस कहते हैं, और जो ब्रांचेज इस माल को आगे ग्राहकों को कस्टमर्स को बेचती हैं तो उसे हम कस्टमर प्राइस के नाम से जानते हैं। तो होलसेल प्राइस में और कंज्यूमर प्राइस में जो डिफरेंस होता है, जो लाभ होता है, वही लाभ मैन्युफैक्चरर्स को इन ब्रांचेज के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि गुड्स की लागत है 100 रुपये, कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज ₹100, होलसेल प्राइस इज ₹150, थोक मूल्य 150 रुपये हैं, और कस्टमर प्राइस उपभोक्ता मूल्य ₹160 है, 160 रुपये हैं। ऐसी स्थिति में यदि गुड्स को ब्रांचेज के पास भेजा जाता है और ब्रांचेज इन गुड्स को बेचती हैं, तो अभी तक जो मेथड्स हमने स्टडी किए हैं उनके अनुसार ब्रांच ने 100 रुपये के माल पर 60 रुपये लाभ कमाया। उन विधियों के अनुसार ब्रांच का प्रॉफिट हम 60 रुपीज़ कैलकुलेट करते रहे हैं। 100 रुपये माल की लागत है, 160 रुपये में ब्रांच ने माल बेचा है, तो 60 रुपीज़ ब्रांच का लाभ, ब्रांच का प्रॉफिट हम यहाँ पर दिखाते रहे हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि ब्रांच से प्राप्त लाभ तो केवल 10 रुपये है, क्योंकि 50 रुपीज़ का प्रॉफिट तो तब भी कमाया जा सकता था जब ये माल होलसेलर्स को होलसेल प्राइस पर बेचा जाता और शाखाएं नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में ब्रांचेज का वास्तविक लाभ जानने के लिए ब्रांचेज को भेजे गए माल को लागत मूल्य पर न लिख करके होलसेल प्राइस पर लिखा जाता है, इसीलिए इस विधि को होलसेल प्राइस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस विधि में, इस मेथड में यह ध्यान रखा जाता है कि ब्रांच के पास ईयर के एंड में जो बिना बिका माल अर्थात क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पर होगा वो होलसेल प्राइस पर होगा, और इस क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा लाभ सम्मिलित होता है जो माल के न बिकने के कारण प्राप्त नहीं हुआ है। इसे हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, न प्राप्त हुआ लाभ कहते हैं। तो इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के अमाउंट से हेड ऑफिस को अपने प्रॉफिट्स कम कर लेने चाहिए, क्योंकि ब्रांच को माल भेजते समय यह प्रॉफिट हेड ऑफिस के ग्रॉस प्रॉफिट में सम्मिलित हो चुका होगा। इसलिए हेड ऑफिस का सही लाभ, ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एंट्री करते हैं जो आप देख रहे हैं, हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू स्टॉक रिजर्व। तो हेड ऑफिस के प्रॉफिट को हम ये एंट्री पास करके उसको कम कर लेते हैं, और नेक्स्ट ईयर के प्रारंभ में इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो ये माल बिक जाएगा और ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो रियलाइज हो जाएगा। इन शॉर्ट, संक्षेप में हम यहाँ कह सकते हैं कि जो होलसेल प्राइस सिस्टम है, यहाँ पर ब्रांच को जो माल भेजा जाता है होलसेल प्राइस के ऊपर भेजा जाता है, उनको लागत पर माल नहीं भेजा जाता, और ऐसी परिस्थिति में जो उनके पास क्लोजिंग स्टॉक शेष रह जाता है वो होलसेल प्राइस पर होता है, और उसमें जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसके लिए हमने एंट्री करनी होती है, और इससे हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसको हम डेबिट करते होते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से हम इस होलसेल प्राइस सिस्टम को, थोक मूल्य विधि को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इन फिगर्स को नोट कर सकते हैं तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। एक्स लिमिटेड हैज़ ए ब्रांच एट दिल्ली, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट कॉस्ट प्लस
100% ग्राहकों को माल लागत में 100% जोड़कर भेजा जाता है। इनके 100 रुपये का माल है तो 200 रुपये में कस्टमर्स को बेचा जाता है। आगे लिखा है द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 80%। होलसेल प्राइस है जो माल की यहाँ पर रखी गई है, अगर 100 रुपये लागत है तो 180 रुपये होलसेल प्राइस यहाँ पर रखी गई है। और आगे लिखा है गुड्स आर इन्वाइस्ड टू दिल्ली ब्रांच एट होलसेल प्राइस। दिल्ली ब्रांच को यहाँ पर गुड्स भेजी गई हैं होलसेल प्राइस पर। सेल्स एट हेड ऑफिस आर मेड ओनली ऑन होलसेल बेसिस एंड दैट एट ब्रांच ओनली टू कस्टमर्स। हेड ऑफिस पर केवल थोक आधार पर माल बेचा जाता है और जो ब्रांचेज हैं वो केवल ग्राहकों को ही माल बेचती हैं। स्टॉक एट ब्रांच इज वैल्यूड एट होलसेल प्राइस। जो ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक है उसे होलसेल प्राइस पर मूल्यांकित किया जाता है। और आगे लिखा है फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड एट हेड ऑफिस एंड एट दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो ये फिगर्स यहाँ पर दिए गए हैं। दो कॉलम्स आप देख रहे हैं, एक हेड ऑफिस का है और एक दिल्ली ब्रांच का। और ये आइटम्स लिखी गई हैं स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016। तो हेड ऑफिस के कॉलम में यहाँ पर लिखा है ₹22,500, 22,500 रुपये का स्टॉक यहाँ हेड ऑफिस के पास है। फिर परचेजेस किए हैं हेड ऑफिस ने ₹2,15,000 की। और फिर आगे गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस पर गुड्स ब्रांच के पास भेजी गई हैं ₹95,400 की। और फिर आगे सेल्स की आइटम यहाँ पर दी गगई हैं, हेड ऑफिस ने सेल्स की हैं ₹2,85,300 की, 285,300 रुपये की सेल हेड ऑफिस ने की है। और जो ब्रांच ने दिल्ली ब्रांच ने सेल की है ₹95,000 की है। और फिर स्टॉक लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च ₹26,000 फॉर हेड ऑफिस एंड ₹9,900 फॉर दिल्ली ब्रांच। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हेड ऑफिस का और दिल्ली ब्रांच का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है यदि गुड्स की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसका होलसेल प्राइस है वो 180 रुपीज़ है और उसका कंज्यूमर प्राइस है ₹200। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। और हेड ऑफिस और दिल्ली ब्रांच का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो साथ साथ हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा गया है और क्वेश्चन में जैसा आपने देखा कि ओपनिंग स्टॉक सिर्फ हेड ऑफिस के लिए दिया है ₹22,500। और फिर परचेजेज हैं, हेड ऑफिस ने परचेजेज की हैं ₹2,15,000 की, वो यहाँ पर लिखी गई हैं। और फिर थर्ड आइटम वहाँ पर थी कि गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस। तो यहाँ पर हम इस आइटम को लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ₹95,400। ये हेड ऑफिस के कॉलम में आएगी क्योंकि गुड्स भेजी गई हैं और हेड ऑफिस के कॉलम में इनको हमने यहाँ पर लिखना है क्रेडिट साइड में। इसके विपरीत यही आइटम हमारी दिल्ली ब्रांच के लिए भी रिकॉर्ड की जाएगी जिसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो सेम आइटम है और ये दिल्ली ब्रांच के कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे 95,400। और फिर सेल्स की आइटम क्वेश्चन में दी गई थी तो बाय सेल्स यहाँ पर हम लिखेंगे हेड ऑफिस के लिए ₹2,85,300 की सेल्स वहाँ पर बताई गई थी और दिल्ली ब्रांच ने जो सेल की है वो है 95,000 की। और फिर नेक्स्ट आइटम हम यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो हेड ऑफिस के पास जो क्लोजिंग स्टॉक हमने क्वेश्चन में देखा 26,000 था और जो दिल्ली ब्रांच के लिए है ₹9,900। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पर लिखा है। और अब हम ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो क्रेडिट साइड का जोड़ यहाँ पर हमने कर दिया है और जो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पर देख रहे हैं हेड ऑफिस के लिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है ₹1,69,200 और जो दिल्ली ब्रांच है उसके लिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है ₹9,500 का है। और टोटल हमने यहाँ पर कर दिया है हेड ऑफिस के लिए ₹4,06,700 और दिल्ली ब्रांच के लिए टोटल है ₹1,04,900। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे यहाँ पर
ब्रॉड डाउन करेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, और सेम अमाउंट यहाँ पर हमने लिख लिए हैं, ₹1,69,200 फॉर हेड ऑफिस एंड ₹9,500 फॉर दिल्ली ब्रांच। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास यहाँ पर शेष है ₹9,900, उसमें कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सम्मिलित है, तो उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन करके हेड ऑफिस के प्रॉफिट को उस अमाउंट से कम करना है। तो ₹9,900 का जो क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास है उसमें हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि होलसेल प्राइस जैसे क्वेश्चन में बताया गया वो ₹180 है, यदि कॉस्ट प्राइस है ₹100, तो ₹100 कॉस्ट प्राइस है, ₹180 होलसेल प्राइस है, तो होलसेल प्राइस के ऊपर यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ₹180 के क्लोजिंग स्टॉक में ₹80 का अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ पर सम्मिलित है। इफ द होलसेल प्राइस इज ₹180, देन द अनरियलाइज प्रॉफिट इज ₹80, एंड इफ द होलसेल प्राइस इज ₹9,900, द अनरियलाइज प्रॉफिट इज ₹80 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 9,900 एंड दैट विल बी ₹4,400। तो ₹4,400 का अनरियलाइज प्रॉफिट इसके अंतर्गत शामिल है। तो इसके लिए जो एंट्री हमारी यहाँ पर होती है, हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, तो हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, तो ₹4,400 से ये जो है प्रॉफिट यहाँ पर कम हो जाता है। तो इसलिए एंट्री आप इसमें देख रहे हैं ₹4,400 की एंट्री यहाँ पर की गई है, और जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर हेड ऑफिस के लिए शेष रहता है ₹1,64,800, और जो ब्रांच का जो प्रॉफिट है ₹9,500 वो सेम रहता है। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। होलसेल प्राइस सिस्टम में हमने एक ही बात विशेष तौर से ध्यान रखनी होती है, तो ब्रांच के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो होलसेल प्राइस है, होलसेल प्राइस को ही ब्रांच कॉस्ट प्राइस मानती है, और उसी के आधार पर हम उस ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एक और छोटा क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं ताकि हम होलसेल प्राइस सिस्टम को अच्छी तरह से समझ पाएँ। ए हेड ऑफिस फिक्स सेलिंग प्राइस फॉर इट्स गुड्स एट 200% ऑफ कॉस्ट, प्रधान कार्यालय अपने माल का विक्रय मूल्य लागत के 200% पर निर्धारित करता है। आगे लिखा है गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट 25% लेस देन द सेलिंग प्राइस, ब्रांच को माल विक्रय मूल्य से 25% कम पर भेजा जाता है, इनकी विक्रय मूल्य है 200% और उससे 25% कम का मतलब है कि ब्रांच को माल 150% पर भेजा जाता है, एंड टू अदर डीलर्स एट 20% लेस देन द सेलिंग प्राइस, और अन्य डीलर्स को विक्रय मूल्य से 20% कम पर माल दिया जाता है। कैलकुलेट द प्रॉफिट एट द हेड ऑफिस एंड एट ब्रांच सेपरेटली फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, तो कुछ सूचनाएँ यहाँ पर दी गई हैं और हेड ऑफिस का और ब्रांच का लाभ प्रॉफिट हमने अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेड ऑफिस के लिए अलग से कॉलम बनाया गया है और ब्रांच के लिए अलग से कॉलम यहाँ पर बनाया गया है, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया गया है ₹36,000 फॉर हेड ऑफिस एंड ₹7,200 फॉर ब्रांच, ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक है ₹7,200 का और हेड ऑफिस के पास ओपनिंग स्टॉक है 36,000 का। फिर आगे परचेजेज हैं, हेड ऑफिस ने परचेजेज यहाँ पर की हैं ₹2,40,000 की, और फिर आगे आइटम्स होती है गुड्स सेंड टू ब्रांच ₹67,500, और आगे लिखा है गुड्स सेंड टू अदर डीलर्स अन्य व्यापारियों को माल भेजा, तो 72,000 का माल यहाँ पर हेड ऑफिस के कॉलम में लिखा हुआ है, अन्य व्यापारियों को ये माल भेजा गया है। और नेक्स्ट आइटम है सेल्स टू कस्टमर्स, तो हेड ऑफिस ने ₹1,80,000 की सेल कस्टमर्स को की है और जो ब्रांच ने ₹92,000 की सेल कस्टमर्स को की है। और लास्ट आइटम के रूप में यहाँ पर एक्सपेंसेस को लिखा गया है, हेड ऑफिस के यहाँ पर 40,000 के एक्सपेंसेस हुए हैं जबकि ब्रांच के यहाँ ₹4,000 के एक्सपेंसेस हुए हैं, 4,000 के एक्सपेंसेस हुए। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर
चार प्रकार की प्राइस हो गई। जैसे कॉस्ट प्राइस हम मान लें 100 रुपये, तो कंज्यूमर प्राइस या सेलिंग प्राइस कहिए वो हो गई 200 रुपये की। और जो ब्रांच प्राइस है, जिस प्राइस के ऊपर ब्रांच को माल भेजा जाता है, वो है ₹150, 150 रुपये। और जो डीलर्स प्राइस यहाँ पर है ₹160, 160 रुपये है। तो चार प्रकार की प्राइसेज यहाँ पर हैं। तो जब भी हम ब्रांच के पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, तो वहाँ पर जो ब्रांच प्राइस है ₹150, उसको हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये है और 50 रुपये वहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रहेगा। तो ये हमने यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और हम यहाँ पर तैयार करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो डेट यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इसलिए इसे आप खाली छोड़ दें। और फिर यहाँ पर हेड ऑफिस के लिए आप अलग से कॉलम बना लें और ब्रांच के लिए अलग से कॉलम आप बना लें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो हेड ऑफिस के कॉलम में 36,000 और ब्रांच के कॉलम में ₹7,200 हमने यहाँ पर लिखा है। और फिर परचेजेस की हैं हेड ऑफिस ने ₹2,40,000 की, तो उसके लिए एंट्री यहाँ पर की है टू परचेजेस ₹2,40,000। और फिर जो नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में हम देख रहे थे, वहाँ पर लिखी है गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो एक रेट साइड की आइटम है, हेड ऑफिस के कॉलम में हम लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ₹67,500। और यही आइटम ब्रांच के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, और वहाँ पर हम लिखेंगे टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो यहाँ पर रिसीव्ड शब्द का प्रयोग करेंगे, जबकि हेड ऑफिस है वो सेंट शब्द का प्रयोग करता है। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर ब्रांच के कॉलम में लिखा है 67,500। और फिर नेक्स्ट आइटम है गुड्स सेंट टू अदर डीलर्स की, इसे भी हम हेड ऑफिस के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू अदर डीलर्स ₹72,000। और फिर नेक्स्ट आइटम यहाँ पर है सेल्स की, तो बाय सेल्स यहाँ पर लिखा जाएगा ₹1,80,000 की सेल हेड ऑफिस ने की है और ₹92,000 की सेल यहाँ पर ब्रांच ने की है। तो ये सेल्स की रिकॉर्डिंग यहाँ पर होगी। और उसके बाद एक्सपेंसेस की आइटम दी गई है, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हमने यहाँ पर लिखनी है। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक के फिगर यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। हेड ऑफिस का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका फिगर यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से ब्रांच के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका फिगर यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट्स के फिगर्स को हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि हेड ऑफिस का कितना ग्रॉस प्रॉफिट है और ब्रांच का कितना ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आसानी से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट आप देखिए कि ब्रांच ने 92,000 की सेल यहाँ पर की है। ब्रांच को जो माल भेजा जाता है, ब्रांच प्राइस इस क्वेश्चन में 150 है और सेलिंग प्राइस है ब्रांच के लिए ₹200। तो 200 रुपये में ब्रांच के द्वारा माल बेचा जाता है और 150 रुपये में हेड ऑफिस से रिसीव किया जाता है। तो 50 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर ब्रांच के माध्यम से हेड ऑफिस को होता है। तो इसलिए 92,000 की जो सेल्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से और डिवाइड करेंगे 200 से। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच का बनता है वो ₹23,000 का बनता है। तो 23,000 का ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच के डेबिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 23,000। और अब हम हेड ऑफिस का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो माल भेजा है 67,500 का माल भेजा है और ये 150 रुपये के हिसाब से भेजा जाता है, तो 50 रुपये वहाँ पर प्रॉफिट हेड ऑफिस का बनता है। तो 67,500 मल्टीप्लाई बाय 50 और डिवाइड बाय 150 करके हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो ब्रांच को सप्लाई की गई गुड्स हैं उनके ऊपर बनता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 22,500 का। और ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे अन्य व्यापारियों को जो माल सप्लाई किया है हेड ऑफिस के द्वारा, वहाँ पर 60% का प्रॉफिट कमाया गया है। तो 72,000 का माल अन्य जो अदर डीलर्स हैं, अदर ट्रेडर्स हैं, उनको भेजा गया है। तो इसलिए 72,000 मल्टीप्लाई बाय 60 और डिवाइड बाय 160 यहाँ पर हम करेंगे, तो 27,000 का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर अदर डीलर से
हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार से एक और आइटम यहाँ पर है कि हेड ऑफिस है वो कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल करता है और रुपीज़ 1,80,000 की सेल यहाँ पर कस्टमर्स को की गई है। और सेलिंग प्राइस जैसे कि आप जानते हैं इस क्वेश्चन में रुपीज़ 200 है और कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 100। तो इसमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं रुपीज़ 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 100 और डिवाइड बाय रुपीज़ 200, तो इस प्रकार से ये 90,000 का यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। और तीनों आइटम्स को अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो हेड ऑफिस का ग्रॉस प्रॉफिट बनता है रुपीज़ 1,39,500 बनता है। तो इसे हम लिखेंगे हेड ऑफिस के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, वहाँ पर लिखा है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन रुपीज़ 1,39,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट के आइटम इस प्रकार से हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे और फिर आसानी से हम जो है क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में ये यहाँ पर निकलेगा। तो डेबिट साइड का हेड ऑफिस के कॉलम का टोटल हमने यहाँ पर किया है रुपीज़ 4,15,500 और क्रेडिट साइड का टोटल करके हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर के रूप में जो क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का है वो आता है 96,000 का। और ठीक इसी प्रकार से डेबिट साइड का जो ब्रांच के कॉलम का टोटल है 97,700 और क्रेडिट साइड का जो 92,000 है वो इसमें से हमने लेस कर दिया है, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर के रूप में क्लोजिंग स्टॉक जो ब्रांच का बचता है वो है 5,700। और फिर दोनों साइड के टोटल हम इस प्रकार से यहाँ पर शो करेंगे और इस बैलेंस को हम ग्रॉस प्रॉफिट के बैलेंस को आगे लेके जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ये दोनों अमाउंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं हेड ऑफिस के कॉलम में रुपीज़ 1,39,500 और ब्रांच के कॉलम में रुपीज़ 23,000। और अब एक्सपेंसेस की एंट्री यहाँ पर डेबिट साइड में की जाएगी टू एक्सपेंसेस, तो 40,000 हेड ऑफिस के लिए यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं और रुपीज़ 4,000 ब्रांच के लिए यहाँ पर एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया गया है, तो ये हमने यहाँ पर लिखना है। अब बात आती है स्टॉक रिजर्व की, क्योंकि इस क्वेश्चन में ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट भी है और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट भी है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट में भी यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट सम्मिलित है और क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट में भी अनरियलाइज प्रॉफिट सम्मिलित है, इसलिए रिवर्स एंट्री यहाँ पर होंगी। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए जो एंट्री यहाँ पर की गई है बाय स्टॉक रिजर्व, तो ओपनिंग स्टॉक 7,200 का है, तो 1/3 इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट की राशि सम्मिलित थी, तो उसकी रिवर्स एंट्री यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में हुई है और उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट रुपीज़ 2,400। तो ये रुपीज़ 2,400 हेड ऑफिस के कॉलम में आपने लिखने हैं। ठीक इसी प्रकार से जो इस वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच का रुपीज़ 5,700, तो उसके अंतर्गत भी 1/3 अमाउंट है वो अनरियलाइज प्रॉफिट का सम्मिलित है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर हेड ऑफिस के कॉलम में एंट्री की है डेबिट साइड में टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट रुपीज़ 1,900। तो अनरियलाइज प्रॉफिट की एंट्री हम इस प्रकार से यहाँ पर करते होते हैं और फिर हम नेट प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर हमने हेड ऑफिस के कॉलम का किया है रुपीज़ 1,41,900 और उसमें से जो डेबिट साइड में आइटम लिखी हुई हैं दो रुपीज़ 40,000 की और रुपीज़ 1,900 की, ये दोनों हमने इसमें से लेस कर दी हैं, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर हेड ऑफिस का रहता है रुपीज़ 1,00,000। और ठीक इसी प्रकार से जो ब्रांच है ब्रांच का जो है यहाँ पर 23,000 क्रेडिट साइड का टोटल है और उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं रुपीज़ 4,000 के वो हमने यहाँ पर लेस कर दिए हैं, तो इस प्रकार से नेट प्रॉफिट जो ब्रांच का रहता है 19,000 का रहता है और दोनों साइड के टोटल हम इस प्रकार से कर देंगे। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेड ऑफिस के लिए और ब्रांच के लिए दोनों के लिए इस प्रकार से तैयार होगा। और अब हम यहाँ पर आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है एग्जाम्स क्वेश्चंस का। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं उनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो 15 नंबर का यहाँ पर एग्ज़ाम में आ सकता है वो है व्हाट डू मीन बाय अ डिपेंडेंट ब्रांच, व्हाट आर द रूल्स फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस। तो लेखांकन नियमों को
डिपेंडेंट ब्रांचेज के संबंध में आपने विस्तार से यहाँ पर बताना है और ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल बनता है। और ठीक इसी प्रकार से जो छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं 4-4 नंबर के, उनमें फर्स्ट है एक्सप्लेन होलसेल प्राइस सिस्टम। होलसेल प्राइस सिस्टम को आपने एक्सप्लेन करना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। और ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का बनता है, व्हाट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अंडर होलसेल प्राइस सिस्टम। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में आपने यहाँ पर चर्चा करनी है। तो ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ए हेड ऑफिस हैज ए रिटेल ब्रांच एट मुंबई। तो मुंबई में एक ब्रांच है, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट कॉस्ट प्लस 100%। तो कस्टमर्स को जो माल बेचा जाता है कॉस्ट में 100% जोड़ करके माल बेचा जाता है। यदि माल की लागत 100 रुपये है तो वो माल 200 रुपये में कस्टमर्स को बेचा जाएगा। द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 80%। थोक मूल्य यहाँ पर रखा है कॉस्ट में 80% जोड़ करके, इनकी कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो होलसेल प्राइस यहाँ पर 180 रुपये रखा गया है। गुड्स आर इन्वॉइस्ड टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस। तो ब्रांच को जो माल भेजा जाता है होलसेल प्राइस के ऊपर भेजा जाता है, तो ब्रांच के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो होलसेल प्राइस यहाँ पर इस क्वेश्चन में होगी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड एट हेड ऑफिस एंड एट मुंबई ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। तो यहाँ पर हेड ऑफिस के लिए अलग से कॉलम बनाया गया है और मुंबई ब्रांच के लिए अलग से कॉलम यहाँ पर बनाया गया है। और सबसे पहली आइटम यहाँ पर लिखी है स्टॉक ऑन 1st April 2016। तो हेड ऑफिस के लिए स्टॉक है 75,000 का और मुंबई ब्रांच के लिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया गया है ₹5,400 का। और फिर परचेजेस की आइटम यहाँ पर लिखी है, हेड ऑफिस के कॉलम में यहाँ पर लिखा है ₹4,50,000। और फिर नेक्स्ट आइटम है गुड्स सेंट टू ब्रांच, शाखा को माल भेजा है ₹1,62,000, ₹1,62,000 का। और फिर सेल्स हेड ऑफिस के लिए है ₹4,59,000 की और ब्रांच के लिए है ₹1,50,000 की। और एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं ₹24,000 फॉर हेड ऑफिस एंड ₹6,000 फॉर मुंबई ब्रांच। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। अकाउंटिंग में जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम रहती है, यानी कि आप अकाउंटिंग में चलते रहें, रुकने का नाम आप ना लें, आपकी कलम चलती रहनी चाहिए, वो रुके ना। वो कहते भी हैं, रुकना मेरा काम नहीं चलना मेरी शान है। तो आप चलते रहिए और अकाउंटिंग में अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट होलसेल प्राइस सिस्टम। होलसेल प्राइस सिस्टम में किस प्रकार से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम करते हैं, किस प्रकार से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की है। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए हैं और घर पर आप इसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे। जय हिंद।